लंबे समय के बाद छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट और छिंदवाड़ा जबलपुर ट्रेन अप्रैल माह से चल सकती है इस बात संकेत। के संकेत छिंदवाड़ा पहुंचे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम आर एम सिंह उपल ने दिए छिंदवाड़ा से चौरई के बीच हुए इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस में पहुंचे डीआरएम ने बताया कि इलेक्ट्रिफिकेशन का सी सक्सेस रहा अब हमारा टारगेट चौरई से सिवनी के बीच चल रहे ओपन लाइन के काम को पूरा करना है इसके लिए हमने लक्ष्य मार्च तक रखा है इसके अनुसार सीआरएस कराने के बाद इस रूट में ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी डीआरएम श्री उपल का कहना है कि हमारी तैयारियां हो चुकी हैं और मार्च तक काम पूरा कराने के बाद सीआरएस करा सकेंगे यदि ऐसा होता है तो जल्द ही छिंदवाड़ा से मंडला और छिंदवाड़ा से जबलपुर तक ट्रेन रूट शुरू हो जाएगा छिंदवाड़ा से चौरे के बीच हुए इलेक्ट्रिफिकेशन का सी शुक्रवार को हुआ अपने निर्धारित समय के पूर्व ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सुवोयम मित्रा स्पेशल ट्रेन से छिंदवाड़ा सुबह पहुंचे यहां पर उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद सीआरएस के लिए चौराई रवाना हुए यहां पर नब्बे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ी जो सफल रहा अब सीआरएस की रिपोर्ट मिलते ही इस ट्रैक में ट्रेन दौड़ना शुरू हो सकेगी निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय विचार मंच एवं वरिष्ठ नागरिक संगठन ने डी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा